पहले से रोटी कुछ नहीं होता भैया। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे, और मैं भी यहाँ पर एकदम मजे में हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से, और शाम के 3 बजे से व्लॉग की शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि हम जा रहे हैं आज मेला, टपकेश्वर के मेला, जहाँ पर शिवरात्रि से लगता है बहुत बड़ा मेला, और आज 5वां दिन है। तो इससे पहले कि मेला खत्म हो जाए, तो इसीलिए हम लेके जा रहे हैं वैष्णवी को मेला घुमाने के लिए आज। अभी वैष्णवी पापा गए हैं वैष्णवी को स्कूल लेने के लिए, जब तक वैष्णवी आती तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे मेला। और हम मेला जा रहे हैं, आपको लेके ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो बस इसीलिए व्लॉग बना रही हूँ अभी। तो अब जब तक वैष्णवी आती है मैं रेडी होती हूँ, फिर हम आपको लेके चलते हैं मेला। हेलो हर्ट्स, कैसे हैं आप सब? एंड आपको मम्मी ने बताया था ना मैं स्कूल से आने वाली हूँ, तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। एंड आज हम जाने वाले हैं मेला। गाइस, मेरी बेस्ट फ्रेंड अंजलि, मेरी मामी, मेरी बहन, मेरा प्यारा छोटा सा भाई आने वाला है, और आज हम सब मिलके करने वाले हैं बहुत सारे मजे। तो गाइस, आज हम बहुत सारा झूला झूलेंगे, खाना खाएंगे, बहुत मजे करेंगे। तो चलो हम बने रहिए हमारी वीडियो में हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ना मम्मी। हेलो गाइस, हम पहुंच गए मेला, और ये चटक चन्नी मैडम। हेलो चटक चन्नी, क्या हो गया? तो गाइस ये दोनों हैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड मेला घूमने के लिए, और आप इनकी खुशी देख रहे हो, खुशी। और वैष्णवी के पापा डरते हैं झूले से, वो कर रहे हैं वहां से बाय बाय। और क्योंकि मेरी सिस्टर अभी तक पहुंची नहीं, इसलिए हम अभी अकेले ही एंजॉय कर रहे हैं। के पास भैया के साथ एक्स्ट्रा राइडिंग कराओगे? हाँ ठीक है, फिर भैया आ जाएगा फिर से करेंगे राइड। इतना खराब हो जाए तो पागल ही रहते, तो पूरा गोल गोल ही घूमने से। झूला झूल के मजा आया? वैशु क्या हुआ, क्या हुआ बेटे? तो
बच्चे एक्साइटेड। प्लेन वाला चल चुल्ली लेके ले चल। तो गाइस ये है निडर बच्चा, आराम से दुलाना आराम से। ये है निडर बच्चा, इसको डर नहीं लगता है, मजा आ रहा है। आप इसको देख रहे हो, बड़ा तेज बच्चा है, इतना बिल्कुल डर लगती है। गाइस इस डरपोक को देखो, छोटे छोटे बच्चे आराम से बैठे और ये डर रही है, कुछ नहीं होता। भैया को पकड़, भैया को पकड़। भाभी और मैं जा रहे हैं इधर बड़े वाले ड्रैगन में, बाकी सब डरपोक है, कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ भाभी और मैं जा रहे हैं। ये है डरपोक, ये भी है डरपोक, मुझे लगता है मेरे को नहीं लगता। हम तीनों आए हैं ड्रैगन का मजा लेने के लिए और ये ड्रैगन बड़ा वाला है। बच्चों को टॉयज दिलाने के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे रात को कितनी, आप देख सकते हैं मेले की रौनक रात को और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा है देखो, इसको कैसे करेंगे, वाला देख जो पिंक और ग्रे कलर में। मजा आया मेला में? तो गाइस इन्होंने एंजॉय नहीं किया, ये अपने बेटे को लेके घूम रहे थे और बाकी हमने तो बहुत मजा किया। और अभी हम आए हैं मोमोज खाने के लिए, आप देख सकते हैं क्योंकि घूमने के बाद लग चुका है भूख। और तासुला दो। तो गाइस इधर इन्होंने यहाँ बस ऐसा, अरे यार तू बोले खाई बनी सके थी। तो गाइस मैंने मंगाया है अपने लिए सेल रोटी, बहुत टाइम हो गया सेल रोटी नहीं खाया। और लियो मजा आया बेटा, कितना कैसे मजा किया? हाँ मजा किया, थक भी गई बहुत। तो आज बच्चे को उठाने नहीं, किसको बच्चा है? हेलो 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 दोस्त, क्या कर लिया दोस्त? आप तो इतनी सुंदर लग रही हो यार, मेरे बेटे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बेटो बेटो मम्मा को फ्लिंकी दे दो ना। आपको जा रहा है? हाँ आपको जा रहा है? मैं घर जा रहा हूँ। हाँ तो आप तो मुझे
निकलते। देख कैमरे के आगे बोलो पहले, आप मुझे कितना प्यार करते हो, जल्दी करो। दूछ बोल, बता क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बोल रही थी ना, हम ना घर में जो हमने सामान लिया ना, हमारे टॉय वो खोल के दिखाएंगे सबको। ओके, पान दे रहे नहीं, दो पीस मत ले दो, मैं दे रहा खाना। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं वापस और बहुत एंजॉय किया। टपकेश्वर मेला, जैसे कि अगर आप देहरादून में हो तो आपको पता ही होगा कितना बड़ा मेला लगता है। अगर आप देहरादून से नहीं हो तो आप कहीं भी चेक कीजिएगा, टपकेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत मजा आता है। और हमने आज बहुत एंजॉय किया, आई होप आपने भी हमारा वीडियो एंजॉय किया होगा। तो गाइस ज्यादा कुछ ले नहीं पाए क्योंकि मेला था, भीड़ बहुत होती है और बच्चे थे साथ में, इसलिए जितना हो सके मैंने उतना तक कैप्चर किया आपको। तो गाइस आई होप आपको पसंद आया होगा। और मेले से ज्यादा कुछ तो नहीं लिया, थोड़ा बहुत सामान, हस्बैंड और मैं कह रहे हैं कि लास्ट में, मतलब एक दो दिन में फिर चलेंगे एक बार, बच्चे नहीं होंगे तो शॉपिंग करने में मजा आता है। तो जितना भी लिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देखो। तो गाइज ये छोटे छोटे लैम्प लिए हमने 50-50 रुपीस के, क्यूट नाइट में लिया मैंने। एक छोटा सा थाली, ये भी 30 रुपीस का है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं है इसको, मतलब ये तीनों ये लिए मैंने, बड़ी बड़ी दो टोकरी, जैसे कि हम साग या कुछ भी धोएंगे वो रखने के लिए, तो ये लिए हमने। ये मैंने तीनों चीज़ ली 30-30 रुपीस के, 90 का बहुत सही मिल गया गाइज यार मेले में। तो ये तो फ़ायदा है कि सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और क्या लिया मैंने, और ये लिया बाउल, छोटे छोटे से क्यूट, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं है। और मैगी वगैरह खाने के लिए, और ये भी बढ़िया है, थोड़ा बहुत सब्जी जो भी। तो गाइस ये लिया मैंने 100 का दो, और ये लिया मैंने 100 के चार, दो मेरी सिस्टर ले गई, दो मैंने रखा। और ये है, ये कॉफ़ी मग है शायद, ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिया, अच्छा लग रहा है ना। तो गाइज ये भी दो मग है कॉफ़ी मग, ये भी देखो कितना प्यारा कलर है इसका, रॉयल ब्लू। और ये है हम दोनों के लिए, हम दोनों इसमें सुबह कॉफ़ी पीने वाले हैं बढ़िया करके। और ये लिया मैंने, मुझे वाइन ग्लास बहुत पसंद है, देख सकते हैं, ये भी लिया मैंने। तो गाइज ये लिया मैंने 500 के छः, पता नहीं महंगा लिया कि सस्ता लिया, बट हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है। और ये है मेरा क्लेचर, ये मेरी सिस्टर ने मेरे ले लिया, तो वैष्णव भी अपना खुद दिखाएगी। वैष्णव क्या लिया बेटे आपने? ये मैंने लिया एक क्यूट सा हेयर बैंड, वो वाओ, ये भी मेरे लिए मेरी मम्मी ने चूज किया था, बहुत क्यूट लग रहा है। छोटी मम्मा बनो ना तभी था बालों को ले लिया। वाओ पापा बहुत अच्छा मजाक किया, ये मेरी सबसे फेवरेट चीज, बच्चों की फेवरेट चीज, खासकर बेटियों की फेवरेट चीज क्या होती है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्यूट है। तो गाइस ये है वैशु की डॉल, इसके इयररिंग्स भी है इसके अंदर। तो वैशु ने कर दी है अपनी डॉल की अनबॉक्सिंग, और आप इसका प्यारा प्यारा सा ड्रेस देख सकते हो। इयररिंग्स कहाँ है इसके? यहाँ इसमें लगे हुए ना देखो ये, हाँ ये। और ये है मेरी फेवरेट मिठाई, पान मिठाई। तो गाइज आप देख सकते हैं वैशु बहुत ज्यादा खुश है। मम्मी ऑल थैंक्स टू यू मनी वाला। तो गाइज यही है मेले की शॉपिंग, आपको दिखा दिया मैंने। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया मम्मी। और जो मेरे को ट्रेन में सबसे ज्यादा पता है कब मजा आया? कब मजा? जब वो ऐसे ऊपर उठ रहा था और जब वो सेम ऐसे नीचे आया ना, मेरे क्या हुआ मैं कैसे बताऊं, मेरे अंदर कुछ बहुत अजीब
होता है ना फील, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही आपको। जैसे ऐसे ऊपर जा रहा है ना, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, जब ऐसे नीचे आ रहा था ना, हे भगवान। तो आज के लिए इतना बहुत है। I hope you enjoy watching this video. So don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to our channel. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thanks for watching. तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अब नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी यूट्यूब वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुँचे, आपसे मिस ना कर पाओ। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।